हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ शीतल पवार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल श्री शिक्षा क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1 राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि लेसन के अंदर जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं या फिर जिन टॉपिक्स के साथ लेसन कवर हो रहा है, मैं सिर्फ उनको पिक्स करके उनका एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देखते हैं टोटल कितने टॉपिक्स हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो पहले हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। उसके बाद टॉपिक आता है अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया। फिर बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बक्सर, एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी। मीन्स टोटल इतने हार्डली 6 to 7 points कवर हो रहे हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए क्या कोई सी रूट नहीं था, क्यों डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी सी रूट। तो चलिए देखते हैं। शुरुआती से ही हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ के साथ इनकम्पेरेबल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू इट्स इकोनॉमिक कल्चर एंड रिलीजियस इनहेरिटेंस की वजह से। और इसी की वजह से पीपल फ्रॉम अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। और इंडिया पहले से ही स्पाइसेस, मसलिन, सिल्क क्लॉथ एंड इंडिगो की बड़ी डिमांड रखता था। और इसी की वजह से यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड करती थी। और इनके बीच मीन्स यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के बीच जो भी ट्रेड होता था वो या तो सी रूट से होता था या लैंड रूट से होता था। और इन दोनों रूट का जो सेंटर था वो था इस्तंबुल, जो कि तुर्की में था। फिर आगे चल के ये होता है कि तुर्किश मुस्लिम्स इस इस्तंबुल पर अपना काबू कर लेते हैं, मतलब अपने कंट्रोल में कर लेते हैं इसको, और यूरोपियंस के लिए सी रूट क्लोज कर देते हैं। अब क्या करेंगे यूरोपियंस? दे नॉट लिव विदाउट स्पाइसेस। तो फील हुआ कि क्यों ना हम न्यू सी रूट डिस्कवर करें। तो ये कॉन्सेप्ट यही से बनता है। तो चलिए देखते हैं किस किस ने ट्राई करा कि हम भी न्यू सी रूट डिस्कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्तुगीज। पोर्तुगीज के किंग प्रिंस हेनरी की वजह से पोर्तुगीज किंग प्रिंस हेनरी की वजह से काफ़ी ग्रेट पीपल को इंस्पिरेशन मिला, इंकरेजमेंट मिला और साथ ही साथ इकोनॉमिक हेल्प भी मिली, जिसकी वजह से उन्होंने ट्राई करा न्यू सी रूट डिस्कवर करने की। ऐसे कई ग्रेट मैन जिन्होंने ट्राई करा कि हाँ हम भी कर सकते हैं न्यू सी रूट डिस्कवर। और इन्हीं में से एक बार्थोलोम्यू डाइस, जिसने कैप ऑफ गुड होप की खोज करी। फिर आगे बात करते हैं चेरिस्टोफर कोलंबस की, जिसने स्पेन के किंग से इकोनॉमिक हेल्प लेकर न्यू सी रूट डिस्कवर करने की सोची। और ऐसे करते करते वो एक ऐसे आइलैंड पर जा पहुँचे जो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता था और जो कि एटलांटिक ओशन में है। बात करते हैं तो कोलंबस की, जो अपने पूरी लाइफ इसी बात में बिलीव करते रहे कि हाँ हमने न्यू सी रूट डिस्कवर कर लिया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं था। उन्होंने सी रूट नहीं बल्कि एक न्यू लैंड का टुकड़ा डिस्कवर किया था। जी हाँ, और जिसी का क्लैरिफिकेशन अमेरिगो वेस्पुकी ने दिया था और जो टुकड़ा आज अमेरिका के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पोर्तुगीज सेलर वास्को दी गामा की। जी हाँ, जिसने फाइनली 1498 में सी रूट डिस्कवर करा। और वो जब कैलिकट जा पहुँचा, जो कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में है, वहाँ पर उसका स्वागत वहाँ के किंग जामोरिया ने किया और उसको अलाउ किया कि हाँ भाई, अब तुम यहाँ पर बिजनेस कर सकते हो। और तभी से ये घटना पूरे वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बन गया और तभी से सारे अदर यूरोपियंस के लिए ट्रेड करने के दरवाजे यहीं से खुल गए। तो आपको, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि क्यों डिस्कवर करने की ज़रूरत पड़ी। अब आगे देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन टू इंडिया। सी रूट डिस्कवर करने के बाद कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए, कौन कौन से रह गए, किसने क्या किया, हम बात करेंगे उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले
पोर्तुगीज सी रूट डिस्कवर करने के बाद सबसे पहले पोर्तुगीज इंडिया में आए, और धीरे धीरे उन्होंने जैसे सेवरल टेरिटरीज लाइक दमन दीव और गोवा पर उन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। फिर धीरे धीरे पोर्तुगीज को अपने ट्रेड में सक्सेस होता देख उनके पीछे भी आ पड़े डच जो कि हॉलैंड से थे, फिर उनके पीछे डेनिश जो डेनमार्क से थे। फिर इसी तरह इंग्लिश ट्रेडर्स ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश कर दी। फिर इसके बाद इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ने जब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट की परमिशन दे दी, तब कैप्टन विलियम हॉकिंस के लीडरशिप के अंडर सबसे पहला शिप पहुंचा सूरत में। बट ड्यू टू द डोमिनेंस एंड ओपोजिशन ऑफ दी पोर्तुगीज, उन्होंने वहाँ उनको अलाउ नहीं किया कि तुम अपना ट्रेड यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बट फिर भी फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्परर जहांगीर की परमिशन से अपना ट्रेड वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया, और उनका फर्स्ट एज अ ट्रेड सेंटर बना था कोठी जो कि सूरत में था। फिर करते करते धीरे धीरे भरूच और अहमदाबाद भी उनका ट्रेड सेंटर बन गया। फिर आगे चल के फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई और उन्होंने भी अपना ट्रेड सेंटर इस्टेब्लिशमेंट कर दिया, और उनके सेंटर बने माहे, चंद्रनगर, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी। आगे ये होता है कि फ्रेंच और ब्रिटिश अपने अपने रूल्स को या फिर अपने अपने कम ईस्ट इंडिया कंपनीज को इस्टेब्लिश करने के चक्कर में या फिर अपना डोमिनेंस फैलाने के चक्कर में बिजी हो जाते हैं। फिर आगे ये होता है देयर वेर थ्री कर्नाटका वॉर्स बिटवीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट हो जाती है। अब तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और भी इजी हो गया था, किस लिए? अपने रूल्स को एक्सपांशन करने के लिए। फिर आगे चल के ब्रिटिश की इसी बैटल पावर की वजह से पोर्तुगीज भी लीव कर जाते हैं। किससे? मैंने पहले ही बताया था, जब पोर्तुगीज आए थे तब उन्होंने सेवरल टेरिटरीज लाइक दीव, दमन और गोवा पर अपना कंट्रोल कर लिया था, तो ऑब्वियसली वो दीव, दमन, गोवा को लीव करके चले जाते हैं। साथ ही साथ फ्रेंच तो चले ही गए थे। फ्रेंच के बाद जो आए थे, मैंने बात करी थी डच की, जी हाँ दोस्तों, डच भी फॉर एवर के लिए लीव कर जाते हैं। तो इसी तरह से यूरोपियंस ने कैसे अराइवल किया इंडिया में, फिर कैसे हो अराइवल्स ऑफ यूरोपियन टू इंडिया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मतलब कैसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच, फिर इश, और उसके बाद कैसे ब्रिटिश, मीन्स ब्रिटिश सबसे लास्ट आकर तो भी उन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का डोमिनेंस अच्छे से स्थापित किया, और उनके पहले आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी को लॉस्ट की वजह से जाना पड़ा। तो होप करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद वीडियो को पोस्ट करिए और वही टॉपिक्स को अपने बुक में रीड करिए, डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने आपके बुक के अंदर के कंटेंट को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।